वो यात्रा के समय भी और विश्राम के समय भी केवल जप को ही प्राथमिकता दे रहे थे। भरत तीसरे पहर कहां कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। भगवान का नाम बोलते बोलते अनुराग का समुद्र मानो उनके अंदर उमड़ रहा था, दरिया में जैसे भरती आ गई, ऐसे अनुराग की भरती। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। भरत जी ने मानो संकेत किया है कि जप करते समय व्यक्ति में अपने इष्ट के प्रति और इष्ट मंत्र के प्रति अनुराग उमड़ना चाहिए। झोंके क्यों आए, जमाइयां क्यों आए, बगासा के मार। उमगी उमगी अनुराग। नाम जो गुरु से दीक्षा में मिलता है, चाहे फिर विद्यार्थियों को सारस्वती मंत्र मिले या बड़ों को गुरु मंत्र मिले, ये नाम सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर दोनों की प्राप्ति कराने वाला है। माने जो आत्म साक्षात्कार करना चाहे वो भी जप के द्वारा कर सकता है। केवल जप में इतनी शक्ति है। समुद्र के ज्ञान बिना और खगोल विद्या जाने बिना समुद्र में नाव चलाना मूर्खता है, भटक जाएगा और डूब जाएगा। समुद्री ज्ञान हो, खगोल विद्या का ज्ञान हो, तो मंजिल पर पहुंचेगा। ऐसे ही जीवन में अगर सदगुरु की ये विद्या और भगवान नाम नहीं है तो वो आदमी संसार समुद्र में जरूर भटकेगा और डूबेगा। 7 सामाजिक पाप गिनाए महात्मा गांधी जी ने, वो आज देखने को मिल रहे हैं। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, भक्ति नहीं है, भले ऊंचे पदों पर पहुंच गए, वर्षों तक सत्ता किसी के हाथ में रहे, शासन काल वो खुद उनके हाथ में हो, बंगाल में आप देखो 25 साल तक 25-30 साल तक सरकार चली ज्योति बसु की, कम्युनिस्ट पार्टी की। तो बंगाल के लोगों से पूछो क्या वो अच्छे नेता थे, बंगाल के लोग बोलते हैं कि नहीं थे, पर फिर भी वो 25 साल तक शासक रहे। तो गांधी जी ने 7 पाप गिनाए, इसमें पहला पाप गांधी जी कहते हैं सिद्धांत के बिना राजनीति। और आज देश में ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहलाने वाले बड़े बड़े कई नेता वो सत्संग को महत्व नहीं देते, उनके पास सत्संग के लिए टाइम नहीं है, भाषण करने के लिए टाइम है कि हम हर रोज कोई ना कोई भलाई का काम करते हैं। तूने अपना भला किया, सत्संग सुना, सत्संग को महत्व दिया, भाषण दे देंगे कि नेता लोग खुद नेता हैं पर भाषण में बोलेंगे कि नेता अपने शासनकाल में कोई ना कोई अच्छा काम करता है, पर हम ऐसे हैं कि हर रोज कोई अच्छा काम करते हैं। अब इससे बड़ा झूठ और क्या होगा, नेता और रोज अच्छा काम करता है।
एक गुरु के चेले ने, उसको शौक था भूत प्रेत वश करने का, एक भूत वश किया शमशान में बैठकर। अब भूत ने कहा मेरे को काम बताओ। बोले जाओ मेरे खेत में चारों तरफ कांटों की बाउंड्री बनानी है, बना के आओ। बनवा दी। काम बताओ। बोले जाओ अमुक अमुक जगह ये काम है करके आओ। करके आ गया। काम बताओ। जो काम बताए वो जल्दी पूरा कर दे। अब कोई काम बचा नहीं। बोले मेरे को काम नहीं बताओगे तो मैं तुमको ही खा जाऊंगा। तो डर गया, भागा गुरु के पास कि गुरुजी वो अब मेरे कोई खाने की बात करता है, क्या करूं। गुरु ने उसको कान में युक्ति बताई और कहा मैं तुझे पहले ही कह रहा था कि भूत प्रेतों के चक्कर में मत पड़, पर बेवकूफ तू माना नहीं बात, अब फिर भी ये काम उसको बता दे जा। उसने आकर उस भूत को कहा एक काम कर। बोले जल्दी बताओ नहीं तो तुमको खा जाऊंगा। बोले काम यही है, कोई अच्छा और सच्चा नेता ढूंढ कर आ जा। गया वो अभी तक नहीं आया। चेला खुश हो गया कि वाह रे वाह, गुरु जी ने अच्छी युक्ति बताई। 60 साल बीत गए हैं, वो अभी तक आया नहीं है, कब आएगा भगवान जाने। तो गांधी जी ने 7 पाप गिनाए, उसमें पहला सिद्धांत के बिना राजनीति। राजनीति माने ऐसी नीति जिससे सबका भला, जहां राग द्वेष न हो, पक्षपात न हो, स्वार्थ न हो। पर आजकल ऐसी कूटनीति करते हैं कि बस हमारा शासन वर्षों तक बना रहे। विनय पत्रिका ग्रंथ है तुलसीदास जी का रचा हुआ, जैसे रामचरितमानस है ना तुलसीदास जी का, ऐसे विनय पत्रिका है, बहुत सुंदर है। उसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि राजा वो होता है जो सूर्य की तरह, जैसे सूर्य भगवान समुद्र और नदियों का पानी सोख लेते हैं पर कभी नदी और समुद्र शिकायत नहीं करते कि हमारा पानी ले लिया। पर आजकल कई नेता ऐसा टैक्स डालते हैं प्रजा पर के प्रजा भले रोती रहे। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, लोगों ने गैस की किट फिट कराई तो एलपीजी महंगा, सीएनजी महंगा। चाहे डीजल भराओ चाहे एलपीजी भराओ, बात एक ही हो गई। तो ऐसी लूट मची है बस। ये क्या है, सिद्धांत बिना की राजनीति। महंगाई कितनी, जो कभी दवाइयां लेने जाते हैं भगवान करे किसी को दवाइयां न खरीदनी पड़े। मैं तो दिल से दुआ करता हूं इस आश्रम की भूमि से, परंतु जिनको दवाइयां लेनी पड़ती है उनको पता है कितनी महंगी दवाइयां होती। कई आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने वाले भी कम नहीं है इस दौड़ में। कोई सिद्धांत नहीं रहा, परहित की भावना न रही, बस मेरा काम हो जाए, मेरी जेब भर जाए, सामने वाले का जो हो वो जाने। तो गांधी जी इसको पहला पाप गिनते हैं, सामाजिक पाप, सिद्धांत के बिना की राजनीति। भगीरथ राजा कैसे राजा थे, सूर्य भगवान नदी और समुद्रों का पानी सोखते हैं, समुद्र का पानी सोखते हैं तो अपने पास नहीं रखते, लौटा देते हैं। बरसात होती है ना तो वही तो पानी आता है घूम फिर कर। तो आज विश्व में सत्संग की बहुत जरूरत है, इसी से विश्व मानव का भला होगा। राशियों के नंग पहनने से और अंगूठियां पहनने से भला नहीं होगा, सत्संग से होगा। घर घर में सत्संग पहुंचे, हर व्यक्ति सत्संग की आवश्यकता और महत्व समझे। और हमारे गुरुदेव पूज्य बापू
बोलते हैं ना तो गुरुदेव कहना कम चाहते हैं पर जगाना ज्यादा चाहते हैं। गुरुदेव के बोलने का उद्देश्य कुछ कहना कम है, जगाना ज्यादा है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव कुछ कह ही रहे हैं, नहीं, गुरुदेव कहने के द्वारा हमको जगा ही रहे हैं। और गुरुदेव की वाणी सरल है, अर्थ गंभीर है। और उस अर्थ में जो टिक पाते हैं वो अपने जीवन में अनर्थ से बच जाते हैं। अर्थी उठने से पहले वो अर्थ में टिक जाते हैं, सच्चे अर्थ में, क्योंकि अर्थी तो उठेगी एक दिन हम सबकी। बुद्ध महल छोड़कर जा रहे थे, किसी ने कहा कि इतना बड़ा महल और इतनी संपत्ति छोड़ के क्यों जा रहे हो। बुद्ध ने कहा, असली संपत्ति और असली मालिक की खोज में जा रहा हूं। जिसको तुम महल मानते हो वहां मुझे आग की ज्वालाओं के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। यहां से मैं नहीं निकलूंगा तो एक दिन लोग तो कंधे पर उठाकर ले ही जाएंगे। जाएंगे कहां? तो गुरुदेव की वाणी बड़ी सरल है, अर्थ बहुत गंभीर है, सब प्रकार के अनर्थ से बचाने वाला है गुरुवाणी का अर्थ। समझदार लोग उसका लाभ उठाते हैं। जैसे श्री कृष्ण की वाणी का लाभ अर्जुन ने उठाया, उसी युद्ध के मैदान में दुर्योधन शाकुन इन्होंने कहां उठाया? जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, जिनको ईश्वर इसी जन्म में मिलना चाहते हैं, उनको ईश्वर ऐसी प्रेरणा दे देते हैं कि आश्रम में आकर के बैठते हैं या कहीं सत्संग होता है तो वहां पर पहुंच जाते हैं। कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी हरिद्वार के कुंभ में, कभी उज्जैन के कुंभ में, कभी अभी प्रयागराज के कुंभ में। मुझे कुछ दिन पहले एक अच्छे वैद्यराज मिले, उन्होंने कहा कि बात निकली तो किसी ने कहा कि वैद्यराज जी आप इलाहाबाद आना चाहेंगे क्या? बोले नहीं, मैं इलाहाबाद नहीं आऊंगा, मैं प्रयागराज आऊंगा। बात तो एक ही है पर उनको इलाहाबाद नाम अच्छा नहीं लगता, प्रयागराज नाम, त्रिवेणी संगम। तो जिन पर देवानुग्रह हेतुकम शंकराचार्य जी ने कहा वे पहुंच पाते हैं, बाकी के लोगों को बहाने मिल जाते हैं कि ये कारण है इसलिए हम सत्संग में नहीं जा सकते। तो सात सामाजिक पाप पूज्य बापू की वाणी में दम है कि मिटा दे। दूसरा सामाजिक पाप है कर्म के बिना धन, मतलब पैसा आजकल कई लोगों के पास है जरूरत से ज्यादा, कईयों के पास, पर आप देखो उसका उपयोग केवल निजी स्वार्थ के लिए होता है। कई ऐसे धनवान होते हैं जो अपने धन का उपयोग अच्छे काम में करते हैं, पर कई तो ऐसे कि खूब है, इतना है कि पीढ़ियों की पीढ़ियां खाएं, पर फिर भी और मॉल खोलने में लगे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पर सब्जियां बेचने से भी बाज नहीं आते। बोलो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे, कंपनी बड़ी है पर अपने मॉल में सब्जी भी बेचेंगे बस। छोटे छोटे दुकानदारों के लिए सब्जी भी नहीं छोड़ना चाहते कमबख्त, इतना लोभ पैसे का कि सब्जी भी हम बेचें। और ना समझ लोग कई वहां खरीदने भी जाते हैं क्योंकि हमारी शान बढ़ेगी कि हम मॉल से सब्जी खरीद कर लाए। किसी साधारण दुकान वाले के पास सब्जी खरीदेंगे तो भाव करेंगे कि 5 रुपए किलो क्यों देता है, 4 रुपए किलो दे, और मॉल में जाएंगे तो एकदम वो जो मांगेगा दे के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां हम बड़े आदमी कहलाएंगे कि हमने कोई भाव नहीं किया,
जो उसने बोला वो पैसे दे दिए। एक महात्मा अच्छा बोलते थे कि बड़े बड़े मॉल होते हैं ना, उनमें एसी जो लगाया होता है ना, क्यों लगाया होता है पूरे मॉल में एसी? इसलिए लगा है कि वहां के रेट सुनकर आपको पसीना ना आ जाए, इसलिए एसी लगा रखा है। और वो सारा खर्चा आपसे ही वसूल करते हैं, पर लोग खरीदने जाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं कि जिसके परिणाम में भयंकर रोग मिले और मन अशुद्ध हो। अलग जैसे यहां सत्संग तो हो रहा है, पर अपने गेट, आश्रम का जो गेट है उसके बाहर से कई कमाने के उद्देश्य से लगा देते हैं दुकानें, और लोगों को अशुद्ध चीजें या हल्की चीजें, कमाने का उद्देश्य उनका और लूटने का उद्देश्य कि भाई तो भक्त हैं, साधक हैं, इनको तो लूटना आसान है, बोले बाले लोग। परंतु मैं साधकों से कहूंगा कि हम सब साधक भक्त ऐसे हों कि जैसे हनुमान जी को कालनेमी ने ठगना चाहा, कालनेमी साधु बनकर बैठा था और हनुमान जी को कहा आओ बच्चा मैं तुमको दीक्षा देना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा मेरी माँ ने कहा है बेटे दीक्षा बाद में लेना, दक्षिणा पहले देना, तो मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं। तो कालनेमी ने कहा अच्छा बच्चा दे दे दक्षिणा। तो असली माल से नकली माल की पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है। हनुमान जी ने भी उसका पैर पकड़ के ऐसा चट्टान से पछाड़ा कि कालनेमी को काल के हवाले कर दिया, मर गया। तो साधक भक्त ऐसे हों, कोई उनको ठग ले या कोई भी चीज देखकर प्रभावित हो जाए, ये खरीद लूं, ये सफेद कुर्ता पजामा खरीद लूं, ये तांबे का दिया खरीद लूं, ये माला खरीद लूं, ये गौमुखी खरीद लूं, क्या खरीद लूं। शांति भी रखें, बाजारें नहीं है इतनी सारी खरीदने के लिए, यहां में जरा ये ले लूं। शांति, आश्रम में आए शांति पाने के लिए, कुछ खरीदने भरने के नहीं। सत्संग सुना, भोजन किया, समय मिला तो सो गए। आश्रम की भूमि पर सोने से भी पुण्य होगा। अरे वो शराबी अनजाने में पड़ा रहा, दूसरे जन्म में बलि राजा बना, बोलो। लक्ष्मी माता ने उसके हाथ पे राखी बांधी, भगवान विष्णु उसके द्वारपाल बन गए, कितना फायदा। अनजाने में शराब के नशे में पड़ा रहा, तो आप और हम तो कोई शराब के नशे में नहीं है, समझदारी से आए हैं। और इधर उधर गपशप करने, ये खरीदूं वो खरीदूं, उसकी अपेक्षा मजे से थोड़ा दोपहर को आराम भी कर लेंगे सत्संग के बाद, तो बुरा क्या है। सत्संग की जगह पे कुछ न करो तो भी उन्नति होती है, और कुसंग में कुछ न करो तो भी अवनति होती है। गुरुदेव सत्संग में रामकृष्ण परमहंस के जीवन का दृष्टांत देते थे पहले, कि एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य केशव चंद्र के घर जा रहे थे। उसने बोला मेरे घर को आप पवित्र करो, चरण डालो। वो जा रहे थे, दोपहर का समय था, घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे, तांगे में। तो उनको प्यास लगी, गुरुजी को बोला बेटे पानी है क्या, बहुत प्यास लगी है। बोले गुरुजी यहाँ तो नहीं, अभी घर आया। घर पहुंचे, उसने अपने नौकर को आदेश किया गुरुजी के लिए पानी लाओ। वो पानी लाया तो रामकृष्ण देव ने मुंह दूसरी तरफ घुमा दिया। तो उसने कहा जाओ लोटा धो के पानी भर लाओ। तो वो लोटा धो के भर के लाया तो रामकृष्ण ने मुंह दूसरी तरफ घुमा दिया। उसने कहा जाओ हाथ पैर धो के पवित्रता से पानी भर के लाओ। तो हाथ पैर धो के भर के लाया तो रामकृष्ण उठे और अपने आश्रम आ गए। अब गुरु घर आए, पानी मांग रहे थे, घर पे पानी दिया और पानी पिए बिना ही गुरु जी चले गए, तो शिष्य को कितना दुख होगा सोचो। दो तीन दिन बाद वो आश्रम गया दर्शन करने, तो मौका देखकर गुरुजी को पूछ लिया कि गुरुजी उस दिन आपने पानी मांगा, मैंने घर पे मंगा कर दिया, पर आपने पिया ही नहीं, हमसे क्या गलती हो गई। रामकृष्ण ने कहा कि प्यास तो मुझे बहुत लगी थी, पर वो नौकर जो पानी लेकर आ रहा था उसके मन के विचार ठीक नहीं थे, उसके विचार मन के दूषित थे, और दूषित विचार वाले व्यक्ति की नजर पानी में पड़ रही थी। वो पानी अगर मैं पीता तो मेरी बुद्धि भी ऐसी हो जाती, मेरे मन में भी ऐसे विचार आ सकते थे। मैं पानी के बिना प्यासा मरना पसंद करता हूँ,
परेरे गहरे व्यक्ति की नजर पड़ा हुआ पानी पीकर मैं अपनी भक्ति नाश करना कतई पसंद नहीं करता। कितनी रामकृष्ण परमहंस जैसी हस्ती, अगर इतने ऊंचे महापुरुष इस बात का ध्यान रखते हैं तो आप और हम कौन हैं? हमको तो कितना रखना चाहिए। भगवद गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में, मैं क्रम इसलिए बताता हूं कि आपको कभी शंका हो तो उसमें से पढ़ सकें, देख सकें। 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में और 17वें अध्याय के 8वें 9वें 10वें श्लोक में बहुत सुंदर बात बताइए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। भगवद गीता लाओ, इतनी सुंदर बात है, आप सुनोगे आपको आश्चर्य लगेगा। जिनके पास गीता हो अभी खोल के देखो, 17वां अध्याय 8वां 9वां और 10वां श्लोक भगवत गीता का। भगवान ने इतनी सुंदर, है तो सरल और आप पढ़ोगे ना तो आपको इतना ध्यान नहीं जाएगा, पर बारीकी से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे तो उधर आपका ध्यान जाएगा। बहुत सुंदर संकेत किया है। जो लोग जहां तहां खा लेते हैं ना रास्ते चलते, इधर ये बन रहा है ये खा लो ये पी लो, नहीं, अब देखो भगवान कहते हैं 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में, जिनके पास गीता है वो देखना। आयु सत्व बला रोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्नग्धा स्थिरा यद्या आहारा सात्विक प्रिया। अब इसका अर्थ मैं पढ़ता हूं। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले, स्थिर रहने वाले मतलब जिस भोजन का सार शरीर में ज्यादा तक रहता है, पुष्टिदायी सात्विक, स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसा आहार अर्थात भोजन के भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। अब आप देखो इसमें परिणाम पहले बताया है कि ये खाने से आपकी आयु बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, आरोग्य बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा और आपकी प्रीति भी बढ़ेगी, आपकी हमारी हम सबकी। ये क्या है? ये परिणाम है। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं कि जो सात्विक व्यक्ति होता है, सात्विक भाई बहन, उनको ये सात्विक खुराक प्रिय लगता है। मतलब जो सात्विक व्यक्ति होता है वो परिणाम का ख्याल पहले करता है। परिणाम पहले बताया ना, आप न समझो तो मैं फिर से बोलता हूं। भगवान ने परिणाम पहले बताया कि आयु बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, आरोग्य अच्छा रहेगा, जीवन में सुख बढ़ेगा और अपने ईश्वर और गुरु के चरणों में प्रीति भी बढ़ेगी। कैसे? कि अगर आप सात्विक खुराक खाएंगे तो ठीक है। तो परिणाम का ख्याल पहले करता है जो सात्विक होता है। अब आगे चलो, 9वां श्लोक। कट वम्मल लवणात्यु तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजस्येष्टा दुख शोक काम प्रदा। मतलब कड़वे खट्टे लवण युक्त माने ज्यादा मिर्च मसाला डाला हुआ, कड़वे खट्टे नींबू का अचार, केरी का अचार और आचार, बूढ़ी बूढ़ी माया भी आचार की बर्णियां होती है ना, वो घुमा घुमा कर देखती हैं। ठीक तो है कि हाँ ठीक है, बढ़िया है आचार, तो आचार का ध्यान रखती है देवी, थोड़ा अपने जीवन का भी ध्यान रख। तो अब देखो जो बात चल, कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक माने खाने के बाद छाती में जलन करें, दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। अब देखो क्या बढ़िया बात कही है भगवान ने, इसमें परिणाम पहले नहीं बताया है,
इसमें कड़वे खट्टे मसालेदार बहुत गर्म तीखे खाने पीने की चीजों का वर्णन पहले किया है, ठीक है ना। फिर कहा राजसी पुरुष को ये प्रिय होते हैं, मतलब जो रजोगुणी व्यक्ति होता है ना उसको लगेगा कि अरे वाह ये लारी पे पकोड़े बन रहे खा लूं, जरा मिर्च का पकोड़ा है खा लूं, जरा ब्रेड पकोड़ा है खा लूं, जरा ये चाट खा लूं। तो रजोगुणी व्यक्ति परिणाम का ख्याल नहीं करेगा, है खा लो ये समोसा खा लो, ये बर्गर खा लो, ये सैंडविच खा लो, ये पिज्जा खा लो, सोचेगा ही नहीं कि चाउमीन पिज्जा बर्गर पेट में करते हैं गड़बड़। पर रजोगुणी व्यक्ति परिणाम का ख्याल नहीं करेगा, खा लेगा। ये प्रत्यक्ष गीता कहती है भाई। इसमें आप देखो पहले परिणाम का ख्याल सात्विक व्यक्ति के लिए बताया और राजसी व्यक्ति के लिए खाने पीने की चीजें बता दी, वो केवल वो देखेगा खा लो। अब आगे चलो, दसवां श्लोक 17वां अध्याय। यातायामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट माने जूठा, ये लोग जो होटलों में इधर उधर बनाते हैं ना वो चखते हैं तो हाथ धोने थोड़ी जाते हैं, उसी हाथ से बना लेते हैं और बनाते बनाते नाक से कुछ निकला तो यूं करके फिर हाथ धोने थोड़ी जाते हैं, उसी हाथ से समोसे का मसाला तैयार करते हैं और लोगों को बोलता है क्या क्या समोसा है, समोसा है क्या डाला है तुझे पता नहीं, उसमें पसीना निकलता है ना बनाते बनाते, भट्टी के पास बैठते हैं तो यूं, फिर उसी हाथ से फिर आलू का पराठा बनाए, समोसे का मसाला तैयार करें, पकौड़े बढ़िया है। एक आदमी ने होटल में चाय पी, होटल वाले को कहा साहब क्या चाय बनी थी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया चाय थी, मैं चाय पीने हमेशा आपके पास ही आऊंगा। वो बोला कि साहब चाय तो और भी बढ़िया बनती अगर रात को बिल्ली ने दूध जूठा नहीं किया होता तो, रात को बिल्ली दूध पी गई थोड़ा सा, मलाई सारी खा गई। एक आदमी होटल में खा रहा था तो दाल मंगाई तो दाल में मक्खी थी मरी हुई, तो मैनेजर को जाके बोला कि ये कैसी दाल देते हो, दाल में मक्खी पड़ी है। तो उसने क्या कहा, अरे मक्खी तुम्हारी कितनी दाल पी जाएगी साहब। ये क्या जवाब दे रहा है तू, और लोग ऐसी चीजें खा रहे हैं। अब तीसरी बात, ये बहुत बहुत ध्यान देने की बात है, भगवान कहते हैं जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अब इसमें देखो भगवान ने परिणाम बताया ही नहीं, माने तामसी व्यक्ति परिणाम का कभी जिंदगी में ख्याल ही नहीं करते, न पहले न बाद में। राजसी व्यक्ति फिर भी थोड़ा बहुत देख लेगा, पर तामसी आदमी तो कभी ख्याल नहीं करेगा। तब हम सभी साधक भाई बहने अपने अंदर अंदर झांके कि हम भगवान कृष्ण के बताए हुए इन तीन व्यक्तियों में से कौन सी श्रेणी में हमारा स्थान है, ये हम खुद डिसाइड करें, अपने अपने अंदर देखें। और भगवत गीता के क्रम मैंने बता दिए, 17वां अध्याय 8वां 9वां और 10वां श्लोक, कभी भी घर बैठे पढ़ना, उसका ख्याल करना, ये आपकी और मेरी हम सब की उन्नति के लिए गुरुदेव बोलते हैं। मैं फिर से कहूं, पूज्य बापू के बोलने के पीछे कुछ कहना कम और जगाना ज्यादा उद्देश्य है। बापू ज्यादा हमको कहना नहीं चाहते कुछ, गुरुदेव हमको जगाना चाहते। श्री कृष्ण जैसे अर्जुन को जगाना चाहते थे और अर्जुन जागे, सुखदेव जी परीक्षित राजा को जगाना चाहते थे और परीक्षित जागे, सात सामाजिक पाप दूर हो सकते हैं अगर गुरुदेव की वाणी घर घर पहुंचे तो। कर्म के बिना धन,
कृपण के जीवन में से भी कृपणता दूर हो जाए। कृपण माने न धन अच्छे काम में लगाता है, न समय अच्छे काम में लगाता है। पार्टियों में जाने के लिए टाइम है, शादियों में जाने के लिए टाइम है, पर सत्संग में जाने के लिए जिसको टाइम नहीं, वो आदमी मंद बुद्धि है। जन्म और जीवन गंवा रहा है, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जैसे चंद्रमा की चांदनी पर आप मुट्ठी बांधोगे तो हाथ में क्या आएगा, पानी के बुलबुलों को पकड़ने जाएंगे हाथ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। ऐसे ही है संसार, पानी के बुलबुले हैं, चंद्रमा की चांदनी पर हाथ मुट्ठी बांधने जैसा है, हाथ कुछ नहीं आता। मृत्यु आती है तो वासनाओं की राख हाथ में रह जाती बस, और कुछ नहीं रहता। इसलिए गुरुदेव की वाणी बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में जागृति आए। कृपणता दूर हो जाए। धन भगवान ने दिया है तो वो भी अच्छे काम में लगे, और समय तो सबके पास है, समय रूपी धन, वो भी अच्छे काम में लगे। काम धंधा नौकरी आदि करते हैं, ठीक से करें, बाकी का समय सत्संग में लगे। सत्संगति संस्रुति कर अंता, पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। पुण्य का पुंज नहीं होता तो सत्संग नहीं मिलता। गांधी जी तीसरा पाप गिनाते हैं, चरित्र के बिना धन। चरित्र को बेचकर धन का अर्जन करते हैं, जैसे कुप्रचार करने वाले कई, इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले, सब ऐसे नहीं होते पर कई ऐसे होते, अपना ईमान बेच रहे। अब आप बताओ, 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, ये हवा उड़ाते थे ऐसी, ये जिन्होंने देखा सुना था टीवी पर, हाथ ऊपर करो, तो मैंने भी देखा था एक दो बार, 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी। और जब से उन्होंने शुरू किया तब से मैंने भी बोलना शुरू किया कि कोई प्रलय होने वाली नहीं है। 21 दिसंबर जाएगी सूरत की, 25 दिसंबर की शिविर में हम बैठे होंगे, तो बैठे हैं। मैंने तो कहा था 2 साल पहले की सत्संग की वीडियो सीडी रिकॉर्ड होगी, उसमें प्रमाण है। तभी इनको कुछ लोगों ने पूछा तो मैंने कहा था। प्रलय हो जाएगी, अब फिर कोई कोई कहते हैं कि नहीं 3012 में प्रलय होगी। मूर्खों की मूर्खता का अंत नहीं होगा। ना समझी बहुत गहरी है, और सत्संग की रुचि भी नहीं। तो गांधी जी कहते हैं चरित्र के बिना धन। सीता माता को देखो, रावण ने कितने प्रलोभन दिए कि मैं तुझे सोने की लंका की रानी बना दूंगा, पर सीता जी प्रलोभन में आई नहीं आई, घास का तिनखा उठाया और रावण को दिखाया। क्या संकेत किया कि मैं उस अयोध्या के राजघराने की बहू हूं जिसके राजा दशरथ ने राम जी के वियोग में अपना शरीर एक तिनखे की तरह त्याग दिया। तन परिहरि रघुवर विरह राउ गयउ सुरधाम, वंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। मानो सीता माता ने संकेत कर दिया, तेरी सोने की लंका मेरे लिए घास के तिनखे से ज्यादा कुछ नहीं। और आजकल लोग कितना जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। फिर सीता माता को रावण ने डराने की भी कोशिश की, पहले प्रलोभन दिखाया फिर डराना चाहा,
पर सीता जी डरी भी नहीं। मारीच डर गया था, मारीच को तलवार दिखाई, रावण ने मेरी बात नहीं मानेगा तो तलवार से तेरा सिर काट दूंगा, मारीच डर गया। हालांकि उसने सोचा कि मैं राम जी के हाथों मरूंगा, पर एक क्षण के लिए डर तो गया, पर सीता जी डरी भी नहीं। सीता माता ने प्रेरणा दी है कि हम सभी भक्त न भयभीत हों न प्रलोभन में आए कि हमारे पास भी ऐसा हो तो अच्छा, हमारे पास भी ऐसी गाड़ी हो, हमारे पास भी ऐसा बढ़िया बंगला हो। जिनके पास है उनको क्या सुख मिल गया। एक महात्मा थे, बुढ़ापे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, कुछ दिखाई नहीं देता था। तो एक दिन धीरे धीरे लकड़ी के सहारे रास्ता टेकते टेकते जा रहे थे। उनका एक भक्त भी साथ में था मदद करने के लिए। तो रास्ते में एक नगर में पहुंचे, किसी भक्त ने उनको भोजन कराया, फिर कहा बाबा यहाँ एक अच्छा डॉक्टर है, नेत्र रोग का विशेषज्ञ है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, आपकी आंखों की रोशनी लौट आएगी, आप चलो उनके पास। बाबा ने कहा कि जो आंखों के द्वारा देखा जा सकता था मैंने खूब देखा संसार में, उससे मुझे सुख न मिला, और जिस ईश्वर का बिना आंखों के अनुभव हो सकता है वो मैं कर रहा हूं, तो मुझे अब आंखों की रोशनी की जरूरत नहीं है। कितनी ऊंची सोच के धनी थे। और कई लोग केवल शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं, और कई अपनी भक्ति बढ़ाने के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनकी भक्ति बढ़ती भी और उनको गुरु कृपा के अनुभव भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे अक्रूर जी भगवान कृष्ण के साथ गोकुल से मथुरा की ओर जा रहे थे, रास्ते में अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान करने की सोची, तो यमुना जल में डुबकी लगाई तो यमुना जी के अंदर भी भगवान के दर्शन हो रहे थे। तो अक्रूर जी को हुआ कि अभी तो रथ में बैठे थे, मैं देख कर आया था, ये पानी के अंदर कहां से आ गए, हो सकता है उन्होंने भी डुबकी लगा ली हो। तो अक्रूर जी पानी से बाहर आए तो देखा भगवान रथ में भी बैठे, फिर डुबकी लगाई तो पानी के अंदर भी भगवान, बाहर आए तो रथ में भी भगवान। तो अक्रूर जी को मानो भगवान ने अपनी व्यापकता का अनुभव कराया। ऐसे ही जो प्रेमी भक्त होते हैं अक्रूर जी की तरह, जिनके जीवन में क्रूरता नहीं होती, द्वेष नहीं होता, उन प्रेमी भक्तों को पूज्य बापू के भी ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं कि विदेश में बैठे थे और गुरुदेव की उपस्थिति का वहां अनुभव हुआ। अथवा तो हैदराबाद में मुझे एक भाई ने बताया, बुजुर्ग थे वो, बोले मेरी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तब उसने दीक्षा नहीं ली थी, अस्पताल ले गए तो गुरुजी की एक तस्वीर भी साथ ले गए हम, जहां उसको डॉक्टर ने भर्ती किया कि ऑपरेशन करना है, एक दो दिन पहले रखेंगे इधर, तो गुरुदेव की तस्वीर मैंने उसके सिरहाने रख दी। रात को घर के दूसरे लोग वहां रुके, बोले मैं घर आया, पत्नी रात को गुरुदेव का ध्यान सुमिरन करते करते सो गई, सत्संग तो सुनती थी, दीक्षा नहीं ले पाई थी। कई ऐसे लोग हैं किसी कारण से दीक्षा नहीं ले पाए हैं, पर गुरुदेव के प्रति उनकी आस्था बड़ी प्रबल है। वो रात को गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान करते करते वो सो गई। सुबह जब पति अस्पताल में गए कुछ खाने का सामान लेकर, नाश्ता आदि, तो वो बिस्तर पे बड़ी स्वस्थ प्रतीत हो रही थी। पति ने खुश होते हुए पूछा, क्या बात है, अब तो तुम ठीक नजर आ रही हो, इतनी प्रसन्न हो, क्या बात है। पत्नी बोली कि रात को सपने में गुरुदेव आए थे और गुरु जी ने मुझे कहा था कि चिंता क्यों करती, ओमकार का जप कर, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे को उसके बाद नींद नहीं आई, मैं बैठ के ओमकार का जप कर रही हूं और तब से तबीयत भी मुझे अच्छी महसूस हो रही है। और सचमुच उसको ऑपरेशन कराना ही नहीं पड़ा, थोड़ी बहुत दवा लेके ठीक हो गई।
और फिर आकर के दीक्षा भी ले। अब देखो ये उसको प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं हुआ पर स्वप्न दर्शन भी हुआ ना, प्रेरणा मिली, वैसा जप किया और ठीक भी हो गई। कई लोगों को तो अपने दुख से रोने की फुर्सत नहीं, आंख के आंसू बहुत कीमती है, अपने दुख को याद करके आंसू बहा मत दो, बेकार में खर्च मत करो, आंसू बहाओ तो अपने आराध्य की याद में, वो सार्थक होंगे, नहीं तो दुख को याद करके बहे हुए आंसू बेकार चले जाएंगे, मानो कीमती हीरे खो दिए और उनकी याद में उनके स्मरण में बहे हुए आंसू एक एक मोती बनकर उनके कंठ तक पहुंचेंगे। और भक्त पर कृपा की वृष्टि कर देंगे, भक्त के जीवन में से अशांति दुख दरिद्रता को भागना ही पड़ेगा। सुल्तान बैजद जब तैमूर लंग के द्वारा हरा दिया गया तो सुल्तान बैजद को बंदी बनाकर तैमूर के सामने लाया गया। तैमूर लंग हंसने लगा, सुल्तान ने कहा कि हंसो मत, थोड़ी सी जीत क्या पाली, इतना इतरा रहे हो, ठीक नहीं है इतना घमंड। तैमूर ने कहा कि मुझे हंसी किसी और बात पे आ रही है। बोले किस बात पे आ रही है? तैमूर बोला कि सुल्तान तुमको एक आंख नहीं है, सुल्तान बैजद को एक ही आंख थी और तैमूर लंगड़ा था। तो तैमूर बोला कि सुल्तान तू काणा और मैं लंगड़ा, खुदा भी क्या करता है लंगड़ों और काणों को बादशाह दे देता है। पर तैमूर को पता नहीं था कि खुदा लंगड़ों और काणों को बादशाह नहीं देता, शरीर मन बुद्धि से अपंग लोग ही ये बाहर की बादशाहत पाने की इच्छा रखते हैं, विवेकी भक्त उसकी इच्छा नहीं करते, वो तो अपने गुरु के चरणों का दास होने की इच्छा रखते हैं, बाहर का सम्राटत्व ऐसे अपंग लोग ही पसंद करते हैं और मानते हैं कि हम कोई बड़े हैं। शरीर से मन से बुद्धि से जो अपंग हैं उनको ही बाहर की बादशाहत अच्छी लगती है, भक्त को नहीं। साधक को वो अच्छी नहीं लगती, साधक को अपने गुरु के चरणों में बैठना अच्छा लगता है, साधक को अपने गुरु की वाणी सुनकर अपने अंदर से अभाव का ही अभाव कर देना अच्छा लगता है। क्योंकि सब हीनताएं जीवन में जो भी हीनताएं हैं वो सब आंतरिक अभाव की सूचनाएं हैं। ये आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, इसका नाम हो गया गुरुजी के आगे हम रह गए। आंतरिक रिक्तता को बाहर की उपलब्धि से भरने की कोशिश एक दिन बेकार ही सिद्ध होती है। इसलिए ये याद रहे कि बाहर की वस्तुएं भीतर के अभाव को मिटाने में सक्षम नहीं है, इसलिए भीतर अपने गुरु भगवान की स्थापना करके उनकी पूजा करने की बात ज्ञानेश्वर जी ने इसीलिए कही। मुझे एक साधक के द्वारा उसका अनुभव सुनने को मिला, महाराष्ट्र के हैं वो, पूना आलंदी आश्रम में हर साल गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सत्संग होता है 2 दिन गुरुदेव का, तो वो भी आए थे जामनेर से, महाराष्ट्र में जामनेर है, तो जामनेर से आए आलंदी पूना, तो जहां उनको निवास मिला था वहां पर रात को जप करते करते सो गए। स्वप्ना देखा कि गुरुदेव
ज्ञानेश्वर महाराज जी के साथ बैठे हैं, जहां उनकी समाधि है, समाधि के भीतर ऐसा उन्होंने देखा। फिर ज्ञानेश्वर जी के साथ बातचीत करते करते गुरुदेव थोड़ी देर के बाद उठकर आने लगे, बोले हम अब आश्रम जाते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी बापू जी को छोड़ने के लिए बाहर तक आने लगे, तो गुरुदेव ने उनको कहा नहीं नहीं आप बैठो हम जाते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि मेरे को लोग ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं और आपको भी गुरु माउली कहते हैं, तो कम से कम इतना तो करूं कि आपको वहां तक तो छोड़ने आऊं। बोले ऐसा मैंने स्वप्न देखा, फिर मेरी आंख खुल गई। तो तत्व से जो महापुरुष होते हैं उच्च कोटि के, ईश्वर को पाए हुए, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा को पाए हुए, जैसे ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु निवृत्तिनाथ की पूर्ण कृपा पाई थी, गुरुदेव ने साधन काल में अपने गुरुदेव लीलाशाह बापू के सानिध्य में रहकर उनकी पूर्ण कृपा पाई थी। लीलाशाह बापू स्वयं बोलते थे, हमें एक सन्यासी ने बताया, पृथ्वीनाथ उस सन्यासी का नाम था, पृथ्वीनाथ, तो वो नाथ संप्रदाय के थे। तो कभी कभी वो लीलाशाह बापू के दर्शन करने नैनीताल जाते थे। तो एक बार लीलाशाह बापू ने पृथ्वीनाथ सन्यासी को कहा कि पृथ्वीनाथ एक दिन ऐसा आएगा जैसे गीता और भागवत को लोग आदर से पढ़ते हैं, ऐसे इनकी वाणी, बापू जी के तरफ इशारा करके कहा इनकी वाणी को लोग आदर से पढ़ेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि लोग आदर से पढ़ रहे हैं। अब अनादर करने वाले लोग तो तब भी थे जब भगवान राम थे, सीता जी का अनादर करने वाले लोग तब भी थे, तो आज भी कुछ होते हैं ऐसे, समझ लेना। अयोध्या के धोबी का वंश खत्म नहीं हुआ है, उसी के वंश के हैं सब, जो सीता जी पर आरोप लगाता था ना, उन्हीं की परंपरा चल रही है। क्योंकि यमराज का डिपार्टमेंट चलाने वाला भी कोई तो चाहिए ना, कि अपने को तो जाना नहीं है वहां पर, तो यमराज भी सोचते होंगे कोई तो आए मेरे यहां पर, तो वो लोग फिर उधर ही जाते, उन पर यमराज शासन करते, यमपुरी के दूत उन पर शासन करते हैं। यमराज के पिता हैं सूर्य भगवान, और सूर्य नारायण खुद एक महान गुरु भक्त हैं बृहस्पति जी के। तो जिनके दिल में अपने गुरुदेव के प्रति भक्ति दृढ़ होती है उन पर सूर्य भगवान खुश होते हैं। खाली सूर्य को अर्घ दे देने से सूर्य भगवान खुश नहीं होते, भले कोई सूर्य को अर्घ न भी देता हो, और उसके दिल में अपने गुरु के प्रति विचार युक्त की भक्ति है तो सूर्य भगवान उसके ऊपर हमेशा खुश रहेंगे। क्यों? कि सूर्य नारायण खुद गुरु भक्त हैं। तो जो सच्चा गुरु भक्त होगा ऐसे सच्चे गुरुदेव का, तो सूर्य भगवान उस पर बिना अर्घ के भी खुश रहेंगे, क्योंकि वो तो हृदय का भाव देखते हैं। सूर्य को जल दिया और किसी से नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, किसी की निंदा आलोचना करते हैं, तो सूर्य भगवान देखेंगे कि ये तो ऐसे ही है, इनके अर्घ्य का कोई महत्व ही नहीं है। और कोई सूर्य को अर्घ्य न भी दे पर किसी से नफरत द्वेष नहीं करता और अपने गुरु में दृढ़ भगवत बुद्धि रखता है तो सूर्य भगवान खुश होते हैं। और सूर्य भगवान खुश तो यमराज भी खुश होंगे, बाप खुश तो बेटा भी खुश होगा, और सूर्य भगवान खुश होंगे तो उस पर शनि देवता भी खुश होंगे। भले पंडित बोलते कि शनि की पनौती है, पर शनि देवता उस पर कभी कोप वाली नजर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि शनि देव के दिल में भी शिव जी के लिए भक्ति बहुत है। शनि देवता शिव जी के शिष्य हैं, तो उनके दिल में भी भक्ति है अपने गुरु के लिए। तो जिस साधक की अपने गुरु में भक्ति होगी उन पर शनि नाराज नहीं होगा। कई ब्राह्मण होते हैं ना, बस लोगों को डराते रहते हैं, शनि की पनौती है, शनि की पनौती है, शनि देवता इंतजार कर रहे हैं कि तू मर कर ऊपर आ, तुझे दिखाऊं किसके ऊपर पनौती है मेरी। तो डरा भी मत करो, जिसके दिल में सचमुच गुरुदेव के लिए भक्ति है उसको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि शनि उस पर कभी नाराज भी हो सकते हैं कभी नहीं हो सकते हैं। देखो एक बात सीधी है कि आप में से
कोई ऐसे भी होंगे कि जिनको लोग ताने मारते होंगे, रिश्तेदार या दोस्त या बहनों की कोई सहेली, या आपके रिश्तेदारों में कोई आपकी बहन हो, मौसी की बेटी हो, कोई भी हो सकता है किसी को ताने मारते हो, क्या जरूरत है माला घुमाने की, क्या जरूरत है सत्संग में जाने की, पर आप फिर भी उनकी बातों की परवाह न किए बिना उनको ठुकरा कर, उनकी बातें ठुकरा कर, उनकी बेवकूफ़ी पर हंस कर आप आश्रम में आ जाते हैं, आप जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनकी दृष्टि में तो आप हो गए कि ये तो ना समझ है इसलिए जाते हैं, परंतु लोगों की आंख में बनी हुई हमारी अच्छी या बुरी छवि की कोई कीमत नहीं है। ईश्वर और गुरु की आंख में हमारी जो छवि बनी वही सच्ची छवि है, बाकी लोगों की आंख की कीमत क्या है? लोगों की आंखों की कीमत ही क्या है? वो हमको अच्छा कह दें तो क्या हो गया, और बुरा कह दें तो क्या हो गया? उनकी आंख कब तक रहेगी, वो खुद कब तक रहेंगे धरती पर? इसलिए लोगों की आंख में बनी हुई छवि की कोई वैल्यू नहीं है। ईश्वर और गुरु की आंख में हमारी छवि क्या है, उसकी कीमत है, उसका महत्व है। अब नासिक से पदयात्री आए, 80 लोग पैदल चलकर आए, भले कोई उनको बोले कि अरे नासिक से 250 किलोमीटर सूरत पैदल चल के जा रहे हैं, क्या मिलेगा? तो नासमझ की दृष्टि में भले वो नासमझ लगे, परंतु संत मिलन को जाइए तजी मोह अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे तो कोटि यज्ञ समान। कितने यज्ञों का पुण्य कमा लिया उन्होंने जो आए, उनको गुरुदेव ने नहीं कहा था पर उनकी भावना थी, वो आए आए तो उनका अंतरात्मा गदगद हो रहा है कि हमारी यात्रा सफल हो गई। पुण्य हो हमारे उस लिए थोड़ी आए थे वो, कि गुरुदेव के पास जाना है बस, उनके मन में ये भाव था। सच्चे भक्त को पुण्यों से कोई वास्ता नहीं होता कि मेरा पुण्य बढ़े, मेरा पुण्य बढ़े, मेरे को पुण्य हो जाए, चलो मैं गाय को थोड़ी रोटी खिला दूं, गाय को घास डाल दूं, मेरे को पुण्य हो जाए, नहीं नहीं, मेरी मेरे गुरुदेव में भक्ति बढ़ जाए बस, मुझे पुण्य क्या करने हैं। पुण्य तो देखो, मनुष्य शरीर जो है ना वो पाप और पुण्य का अतिक्रमण करने के लिए है, मनुष्य शरीर पुण्य कमाने के लिए नहीं है। अभी हम ना भी चाहें तो भी वो तो हो ही रहा है, हम अच्छी जगह पर बैठे हैं, गुरुदेव के लिए बैठते हैं घंटों भर, तो वो तो हो ही रहा है, ना चाहो तो भी कमा रहे हैं। पर मन भक्त की नजर पुण्य पर नहीं होती कि मैं पुण्य कमाऊं, उसकी नजर अपने सदगुरु पर होनी चाहिए कि मुझे वो मिल जाए, मुझे उनके चरणों की भक्ति मिल जाए, या मेरी भक्ति कैसे बढ़ जाए। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धिमानी क्या है कि इसी जन्म में पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाए। साधक भक्त कैसे होते हैं कि उनकी जड़ें मजबूत हो रही है इस ईश्वर की सृष्टि में, जबकि संसार में जो उलझे हुए हैं, दीक्षा नहीं ले पाते, गुरु के चरणों में प्रीति नहीं रख पाते, उनकी जड़ें कमजोर हो रही है, शाखाएं सजी हुई है, शाखाएं सजी हुई माना बाहर से कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, अच्छे दिखते हैं, पर जड़ें कमजोर हो, खोखली हो रही है। क्योंकि जो जो दिन बीतते जा रहे हैं, मृत्यु का समय करीब उनका भी आ रहा है, जो जो दिन बीत रहे हैं मृत्यु का समय हमारा भी करीब आ रहा है, उम्र कम हो रही है, पर हमारी जड़ें मजबूत हो रही है, और उन लोगों की जड़ें खोखली हो रही है। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाएं तो आगे पैर रखने के लिए धरती है और हमारी सीढ़ियां भी नहीं हटेगी। हम पुनः लौट कर आना चाहें, मरने के बाद फिर से मनुष्य बनना चाहें तो भी हो सकता है, और मुक्त होना चाहें तो भी हो सकता है। जबकि जो संसार में ही उलझे हुए हैं और निंदा आलोचना भी कर लेते हैं,
वो सीढ़ियां तो चढ़ रहे हैं पर उनके लिए आगे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और सीढ़ियां हट जाएगी, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम लोग बाहर से भले टिप टॉप ना भी दिखें, कपड़े अच्छे ना भी पहने हो, बालों की स्टाइल कोई अच्छी तरह से ना भी हो, परंतु हमारी जड़ें मजबूत, उनकी जड़ें खोखली, शाखाएं सजी हुई है। पर आप सोचो, पेड़ को जड़ समेत काट दिया, उखाड़ दिया, वो पेड़ हरा भरा तब भी दिख रहा होगा। कोई पेड़ काटा हो ना, तुरंत तो हरा हरा ही दिखेगा, उसके पत्ते हरे दिखेंगे, पर एक दिन बीतेगा, दूसरा दिन बीतेगा, पत्ते मुरझाते जाएंगे, शाखाएं सूखती जाएंगी, टूट जाएंगी, मिट्टी हो जाएगी। तो हम साधक सचमुच बहुत बहुत फायदे में हैं, बहुत बड़े फायदे में हैं कि हम ईश्वर और गुरु की आंख में मूल्यवान हो रहे हैं, जबकि संसार में उलझे हुए लोग लोगों की आंख में बड़ा दिखना चाहते हैं बस, कि हम शादी में नहीं जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, पार्टी में नहीं जाएंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे। पर साधक सोचते हैं कि वो भले कुछ भी बोले, मुझे तो आश्रम में जाना है। अमेरिका के साधक इंतजार करते हैं कि दिसंबर की छुट्टियां हो तो हम जाएं भारत में गुरुदेव के सानिध्य में, तो कई साधक पहुंच भी जाते हैं, कई नहीं आ पाते हैं तो वो उधर सत्संग सुन लेते हैं इंटरनेट के द्वारा या कैसे भी। तो हमारे अंतर में गुरुदेव के चरणों के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है कि नहीं, उसके कुछ लक्षण हैं। हम अपने अपने अंदर में देखें कि ये लक्षण अगर हैं तो समझो कि अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव हमारे दिल में हो चुका है। पहला है क्षमा। कोई अगर हमारे प्रेम में, हमारी भक्ति में बाधा डाले तो भी हम उससे उलझेंगे नहीं, क्योंकि उलझने में, संघर्ष करने में अपने प्यारे की विस्मृति हो जाएगी और वो आदमी दिल दिमाग में होगा कि ये ऐसा है, ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है, ये मेरे मार्ग में रुकावट डाल रहा है। उसका चिंतन होने से अपने स्वामी का सुमिरन छूट जाएगा या उसमें बाधा पड़ेगी, छूटे नहीं तो बाधा तो पड़ेगी। तो क्षमा ठीक है, तो उसका कर्म बनेगा, अपना क्या, अपना कटेगा। क्षमा कोई बात नहीं, चलो। दूसरा लक्षण है कि उनके सुमिरन के बिना समय गुजारने की इच्छा न हो। ऐसा होने लगे, गपशप में और निंदा में रुचि नहीं, अगर चर्चा भी हो तो परस्पर ऐसी हो कि जिससे भक्ति बढ़े, श्रद्धा बढ़े। तीसरा लक्षण विरक्ति बताया है। विरक्ति माने किसी और में राग न रहे, और हमारा किसी और में राग नहीं है उसका एक, जैसे टेम्परेचर मापते ना बुखार कितना है, ऐसे हमारा किसी और में राग है कि नहीं कैसे पता चले। जब भी आंख बंद करके बैठे तो देखो किसका चेहरा आंखों के आगे आता है। रात को सोते समय, आधी रात को आंख खुले तब, सुबह आंख खुली तब, किसका चेहरा दिल दिमाग में उभरता है ये देखें। अगर अपने गुरुदेव का ही आता है तो समझो और वस्तु व्यक्ति से राग अब कम होता जा रहा है। तो फिर उनको धन्यवाद दें कि गुरुदेव आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं सुबह उठूं और मुझे आपकी याद आ जाए, मैं आधी रात को भी उठूं तो मुझे आपकी याद आए, आपका सुमिरन हो, चलते फिरते मुझे आपका सुमिरन हो, ये आपने कृपा की है, नहीं तो इस कलयुग में मैं ऐसी ऊंचाई कैसे पा सकता था। आपने कृपा की तो और कृपा करें मुझ पर कि मेरा जो पहले का राग है किसी में वो छूटे और फिर से मेरा किसी में राग ना हो, ये विरक्ति। तीसरा प्रेम के प्रगटीकरण के ये कुछ प्रमाण है, लक्षण। चौथा है कि मिलन की आस बंधी रहे, निराश न हो जाए कि मेरी बापूजी से बात ही नहीं हुई, मेरे तरफ तो गुरुजी ने आंख उठाकर देखा भी नहीं,
हम तो आए थे इतनी दूर से और बापू ने तो हमारे तरफ देखा भी नहीं, हमारे पास वाले को देखा और हमारे पर नजर नहीं पड़ी। नहीं, मिलन की आस बंधी रहे। उल्टा समझो, गाड़ी में बैठकर गुरुजी जा रहे हैं और आपकी इच्छा थी कि आपके तरफ गुरुजी देख लें पर आपके तरफ नजर न पड़ी और गुरुदेव आगे निकल गए, तो ये न हो कि मेरे तरफ नजर नहीं पड़ी, ये हो कि वाह वाह गुरुजी मेरी तड़प बढ़ा रहे हैं कि मेरे दिल दिमाग में उनकी ही याद बनी रहे। क्योंकि नजर पड़ जाती तो खुश हो जाते कि अरे मेरे पर नजर पड़ गई, वाह वाह दूसरों को बताते मेरे पर नजर पड़ी, पर नजर नहीं पड़ी तो और किसी को कुछ नहीं कहा, चिंतन गुरुजी का होता रहा कि मेरे पर नजर नहीं पड़ी, गुरुजी गए आगे, मेरी तड़प बढ़ा रहे हैं कि वाह मैं उनका सुमिरन और ज्यादा करूं, मैं उनमें भक्ति और बढ़ाऊं, ये गुरुजी ने मुझे सीख दी है, ये सोचकर अपनी प्रीति अपना प्यार और बढ़ा सकते हैं। तो मिलन की आस बंधी रहे, ये प्रेम का लक्षण है। शिकायत ना आए कि मेरे से बात नहीं हुई या मेरे तरफ नहीं देखा, शिकायत ना आए, अहोभाव आए तो समझो गुरुदेव के प्रति प्रेम की ज्योत जग गई है कि शिकायत नहीं आती, अहोभाव आता है। फिर उत्कंठा के समझो शिविर पूरी हुई और आप घर गए, तो उत्कंठा मतलब अब दोबारा गुरुदेव के सानिध्य में जाने का अवसर मुझे कब मिलेगा, हम कब पहुंचेंगे उनके पास, हम कब पहुंचेंगे उनके चरणों में और कब हम उनके सामने बैठकर उनको सुनेंगे, उनको देखेंगे, कोई सेवा कर पाएंगे। उत्कंठा बनी रहे। और जिनको बनी रहती है वो बहुत फायदे में रहते हैं। गीता में जिस वीत राग की बात आई वो हो पाएंगे। हम लोग सत्संग सुनते हैं ना, ये भी कोई साधारण काम नहीं है। भगवत गीता के चौथे अध्याय का 10वां श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आती है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर भगवान कहते हैं कई लोगों ने मेरी प्राप्ति कर ली। तो हम लोग जो यहाँ गुरुदेव के सानिध्य में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं गुरुदेव का, ये ज्ञान रूपी तप से हम पवित्र होते हैं। गंगा में स्नान करें, नर्मदा में स्नान करें तो केवल हमारा शरीर पवित्र होता है पर गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर उनकी ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर। भगवान ने गंगा को अपनी विभूति जरूर बताया गीता में कि नदियों में गंगा मैं हूं, पर भगवान ने यह नहीं कहा गीता में कि गंगा में स्नान करके जो पवित्र होगा वो मेरे को प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं कहा। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता, ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर बहुत लोग मेरे को पा चुके हैं। तो भले हम यहां बैठे 3 दिन तक और 3 दिन में 1 दिन भी किसी का ध्यान न लगे, कोई सोचे कि मेरा ध्यान नहीं लगा, ध्यान, अरे तुम ध्यान किसको बोलते। गुरुदेव के सानिध्य में ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर निर्बीज समाधि को हम प्राप्त हो सकते हैं। निर्बीज समाधि मतलब मैं का भान न रहे, वो निर्बीज समाधि। आपको नहीं लगता कई बार ऐसा कि जब गुरुदेव ज्ञान की गंगा बहाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, उस समय तो कहां से आए हैं, क्या मेरा नाम है, कौन मेरा परिवार है, ऐसा नहीं लगता कई बार, एकदम खो नहीं जाते। कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, दरिया साहब ने कहा जात हमारी ब्रह्म है,
मात पिता है राम, घर है मेरा निर्वाण में, अनहद में विश्राम। कितनी सुंदर बात है। जात हमारी ब्रह्म है। हमारी जात कौन सी? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस वर्ण के? नहीं नहीं, जात हमारी ब्रह्म है। और मात पिता है राम। राम कहो, गुरु कहो। आप बोलना साथ में, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, घर मेरा निर्वाण में, घर मेरा निर्वाण में, अनहद में विश्राम, अनहद में विश्राम। जो गुरुदेव कहते हैं अनहद नाद सुनो, श्वास अंदर जाए बाहर आए, इसको देखते देखते शांत हो जा, तो अनहद नाद सुनाई दे कि चल रहा है सोहम सोहम सोहम। अनहद में विश्राम, यही ये अनहद में विश्राम सहज में होता है। तो ये ऐसी ऊंची यात्रा कराने वाले गुरुदेव के प्रति प्रेम हमारा पुष्ट हो रहा है कि नहीं, उसके लक्षण है। गुरु के मंत्र से प्रेम हो, मंत्र जब प्रीति पूर्वक करते हैं तो समझो उनके प्रति प्रेम का प्रागट्य हो चुका है। और अपने गुरुदेव के गुण गाते गाते तृप्ति न हो कभी भी कहीं भी, और किसी के आगे भी, उनको भी दीक्षित कर लिया, उनको भी साधक बना दिया, और अपने गुरुदेव के निवास स्थान में प्रीति, मतलब गुरु के आश्रम में प्रीति। गुरुद्वार मेरा, मंदिर है मेरा। देखो, पत्थर की मूर्ति या तस्वीर को भगवान मानकर पूजा करते हैं, कई लोग करते हैं, परंतु सजीव ईश्वर के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं तो वो हमारे लिए कल्प वृक्ष सिद्ध होंगे। देखें होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, इस भाव से नहीं, दृढ़ता से। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती ना, उनको खाने से शरीर पुष्ट होता है, गाय का दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है, पर सुबह सुबह खमण पात्रा और भजिया खाए तो शरीर पुष्ट नहीं होता, खाली पेट भरता है, बस लगे कि हाँ खमण खाया, पर खमण जैसा ही हो जाएगा उसका शरीर, पोचा पोचा हो ना खमण एकदम, उसका शरीर भी ऐसा खमण छाप हो जाएगा, दमदार नहीं होगा, बलिष्ठ शरीर नहीं होगा। पर खजूर खाए तो खजूर शरीर के लिए पुष्टिदायी है, उसका शरीर दमदार होगा, बलिष्ठ होगा। तभी मुझे किसी ने सूचना दी कि खजूर अपने यहाँ समिति का स्टॉल है, मिल रही है, कोई एक बहुत अच्छी वाली खजूर भी आई है, बता कर गए कि वो बाजार में उतनी सस्ती नहीं मिलती, पर यहाँ बहुत अच्छी वाली पुष्टिदायी आई है, 150 रुपये मुझे बता कर गए कि उतने में वो दे रहे हैं। 2-3 खजूर पानी में भिगोकर उसको फिर खाएं, दूध पिए तो उससे शरीर पुष्ट होता है, बलिष्ठ होता है। चाय कॉफी पियो तो शरीर कमजोर हो जाता है। मैंने देखा है जो चाय खूब पीते हैं ना, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापे के लक्षण उनके चेहरे पर जल्दी दिखाई देते हैं। तो ऐसी चीज खाई जाए जो शरीर को पुष्ट करे, ये शरीर को पुष्ट करेगी, पर गुरुचरणों के प्रति प्रेम ये आत्मा की खुराक है, वो हमको पुष्ट करेगा, हमारी जड़ें मजबूत होगी, हम लोग साधना में पक्के होंगे। तो ये कुछ लक्षण हैं, अपने अंदर देखें कि ये मेरे अंदर हैं, तो शुद्ध प्रेम एक महान शक्ति है, जीवन के अणु अणु को रूपांतरित कर देने ऐसी शक्ति।
जैसे शक्तिवर्धक चीजें खाने से शरीर में बल बढ़ता है ना, ऐसे गुरु चरणों में प्रेम एक बड़ी गजब की शक्ति है। प्रेम ही तो था, तभी तो सहजोबाई ने कहा राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहार, गुरु के समान में ईश्वर को भी न निहार। गुरु न तजू हरि को तज डाल, बहुत कुछ कहा राजस्थान की सहजोबाई ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय 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 हरि ओ। पूज्य बापू विद्यार्थियों को सारस्वती मंत्र देते हैं, साधक जानते हैं, जो नए आए हैं आज उनके लिए मैं कहता हूं, सारस्वती मंत्र की दीक्षा एक कन्या ने ली। जो जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती का मंत्र गुरुदेव के मुख से मिला, जपती गई जपती गई जपती गई, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पूरी की, 2 गोल्ड मेडल मिले, और 2 गोल्ड मेडल एक तो मिला पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आने के कारण, और दूसरा कंप्यूटर साइंस में प्रथम आने के कारण नासिक में। इसको 2 गोल्ड मेडल मिले पूरी यूनिवर्सिटी में प्रथम, कंप्यूटर साइंस में प्रथम। परंतु एक कन्या ऐसी भी देखी मैंने, 4th क्लास में थी तब सारस्वती मंत्र लिया था, अभी वो 15-16 साल की हो गई हो, 17 तो गोल्ड मेडल मिले उसको, 17 साल उम्र भी नहीं है और 17 गोल्ड मेडल पा लिए। ये सारस्वती मंत्र गुरुदेव से मिला और उसका जप उत्साह पूर्वक किया और अपनी शक्ति को नष्ट होने से बचाया। मौन रखने वाले की शक्ति विकसित होती है। भगवत गीता में मौन को भगवान ने अपनी विभूति बताया है, मौनम चैवास्मि गुहया नाम। तो यहाँ जो आज विद्यार्थी आए हैं, वो विद्यार्थी भी मौन को महत्व दें, उनकी याद शक्ति बढ़िया होगी। घर पे पढ़ते समय पूर्व और उत्तर दिशा के बीच जो ईशान कोण पड़ता है उधर मुंह करके पढ़ें, याद शक्ति बढ़िया रहने लगेगी। दिल्ली की एक बच्ची ने बताया, गुरुदेव से सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली तो मेरिट में आने लगी, पहले बहुत कम अंकों से आती थी, और उसको एक ज्योतिषी ने कहा था कि तुम अच्छी तरह नहीं पढ़ सकोगी, पढ़ाई में तुमको सफलता नहीं मिलेगी। तो दीक्षा लेने के बाद मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की कि मुझे सफलता पानी है, ज्योतिषी भले कुछ भी बोले कि ये सफल नहीं हो पाएगी। प्रार्थना और आश्रम में वड़दादा की परिक्रमा की, यहाँ भी जो बच्चे आ जाएं जाते समय परिक्रमा करके जाना, वहाँ गुरुदेव ने शक्तिपात किया है। लोग परिक्रमा करके अपना संकल्प प्रार्थना करके जाते हैं तो बहुत लाभ होता है। उस बच्ची ने बताया, मैंने तो 108 परिक्रमा की जप करते करते, तो ऐसी कृपा बरसी
के तीन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रियां प्राप्त की और यूनिवर्सिटी में प्रथम भी आई। पहले पढ़ने में कमजोर थी, ज्योतिषी बोलता था सफल नहीं हो पाएगी, और तीन ये डिग्रियां पाई और प्रथम भी आई। जन्म पत्री में होने की बातें लिखी होती है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, पर करना इंसान के हाथ में है, वो जैसा चाहे अपना भाग्य बना सकता है, दरिद्र भी रह सकता है और जगत में ऊंचा भी उठ सकता है, उन्नत हो सकता है। तो गुरुदेव ऐसी सुंदर सीख देते हैं कि परमार्थिक सिद्धि भी हो और व्यवहारिक सिद्धि भी हो। शिक्षक ने क्लास में कहा बच्चों को कि कोई भी एक चित्र बनाओ। शिक्षक बोलकर बैठे ही थे कि एक लड़के ने कहा साहब मैंने बना दिया। क्या बनाया तूने? बोले साहब मैंने गाय बनाई और हरा घास, गाय घास खा रही, ऐसा फोटो बनाया, लाओ जरा देखूं। तो कॉपी लेकर वो लड़का गया तो कॉपी तो कोरी थी, उस दिन का कुछ भी नहीं किया था काम। शिक्षक ने कहा है घास? बोले गाय खा गई। गाय कहाँ है? बोले वो गौशाला चली गई। ये क्या कहते हो? बोले हाँ सब सब फिर से घास उगाएंगे तो गाय फिर से आ जाएगी। अब ऐसे विद्यार्थी विद्या प्राप्ति में सफल नहीं हो सकते, पर सारस्वती मंत्र लिया हो और अपने माता पिता का आदर करता हो, सत्संग सुनता हो, विद्यार्थी हो कि विद्यार्थिनी बच्ची हो, अपने माता पिता का आदर करते हो और वैलेंटाइन डे का कचरा दिल दिमाग में न रखते हो कि ये लोग मनाते हैं तो हम भी मनाएं, नहीं, अपन माता पिता का पूजन करें। बापू जी ने सहज में ऐसी सुंदर सीख दी, मैं आपको बताऊं, हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना मूर्ख लोग, पर 14 फरवरी के दिन अधिकांशतः सूर्य भगवान कुंभ राशि पर होते हैं, बिल्कुल कोई ज्योतिषी इसको नकार नहीं सकता, लगभग अधिकांश 14 फरवरी को सूर्य भगवान कुंभ राशि पर होते हैं, और कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि देव। ठीक है, कुंभ राशि के स्वामी शनि, शनि देव सूर्य भगवान के बेटे, तो वो अपने पिता का खूब आदर करते हैं, पिता की परिक्रमा करते हैं। तो 14 फरवरी के दिन जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, उन पर तो सूर्य भगवान और शनि देव दोनों नाराज होते हैं भयंकर, और 14 फरवरी के दिन बापूजी के कहे अनुसार जो अपने माता पिता का पूजन करते हैं उन पर सूर्य भगवान भी खुश होते हैं और शनि भी खुश होते हैं, क्योंकि उस दिन शनि देवता भी सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल इसको कोई, इस बात को कोई काट नहीं सकता, कोई ज्योतिषी नकार नहीं सकता। और दूसरी बात, सूर्य भगवान लक्ष्मी कारक ग्रह है और शनि देव आयु कारक ग्रह है, उस दिन जो अपने माता पिता की पूजा करता है ना उसकी उम्र भी लंबी होती है और उसके भविष्य में पैसा भी खूब मिलता है, वो बड़ा होकर कंगला नहीं रहेगा, बड़ा संपन्न आदमी बनेगा जो हर साल 14 फरवरी को ये करेगा। और अपने गुरु का पूजन, माता पिता और गुरु का पूजन करने वाला, सूर्य भगवान लक्ष्मी कारक ग्रह, शनि आयु कारक ग्रह, इन दोनों की प्रसन्नता पाता है। पर जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं और गलत हरकतें गलत चेष्टाएं करते हैं उन पर सूर्य भगवान भी नाराज होते हैं, शनि देवता भी नाराज होते हैं, उनकी आयु और संपत्ति नष्ट हो जाती है। भले उस समय पता न चले पर उनका भविष्य तो खतरे में पड़ ही जाता है। इसलिए गुरुदेव ने जो ये सुंदर सीख दी है वो बहुत कल्याणकारी है। आप लोग भी औरों तक ये बात पहुंचाएं कि 14 फरवरी को माता पिता का पूजन क्यों करना चाहिए, तो ज्योतिष के हिसाब से भी उस दिन करना चाहिए ताकि सूर्यदेव और शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त हो, आयु और लक्ष्मी बढ़े। सब चाहते हैं हमारी आयु लंबी हो, कौन मरना चाहता है?
कोई बोल दे कि हाँ मैं मरना चाहता हूँ, कोई बोले तो भी वो मरना नहीं चाहता। एक आदमी लकड़ियां काटते काटते और बेचते बेचते बूढ़ा हो गया था, लकड़ी काट के गठरी बनाई उससे उठ नहीं रही थी, तो बोला हे भगवान जवान जवान लोग कई मर गए, मैं बूढ़ा हो गया लकड़ियां उठाते उठाते, ए मृत्यु तुझे मैं नहीं दिखता हूं क्या, मुझे क्यों नहीं उठाया। इतने में किसी ने उस बूढ़े के कंधे पर पीछे से हाथ रखा, इसने कहा कौन, बोले मैं, तुमने पुकारा हम चले आए, मैं मौत हूं, मैं मौत हूं मौत। बोले मैंने तुमको किस लिए बुलाया, बोले तुमने कहा ना उठा ले मुझे, बोले मैंने मुझे उठाने के लिए नहीं, ये लकड़ी की गठरी मुझे उठवा दी। तो ताली बजाने से काम नहीं होगा, इस बात को समझने से काम होगा। तो मरना कोई नहीं चाहता और दरिद्र रहना कोई नहीं चाहता, सब चाहते मेरी आयु बढ़े और घर में लक्ष्मी बढ़े। तो कैसे होगा, आयु भी बढ़े लक्ष्मी भी बढ़े, कि गुरु की बताई सीख के अनुसार चलने से आयु भी बढ़ती है लक्ष्मी भी बढ़ती है। पर भक्त को कोई आयु और संपत्ति का लोभ नहीं होता, पर फिर भी बढ़ती है, न चाहे तो भी आएगी, परछाई नहीं चाहते तो भी पीछे पीछे आती है। जब हम ही हैं तो फिर आसक्ति किसमें करें, अपनी अपने में क्या आसक्ति होगी, अपना चेहरा देखकर आईने में क्या आकर्षण होगा। ये प्रेम है, जब ऐसा होने लगे तो समझो प्रेम का प्रगटीकरण हुआ है। इसलिए अष्टावक्र गीता कहती है कि व्यर्थ की बकवास छोड़कर जीवन में आपदह संपदह काले दैवा दैवे तिनिश्चय, आपत्ति काल हो विपत्ति काल हो घबराए नहीं, समय पर सब ठीक होता जाएगा। यथा योग्य उपाय करें, भले वरदादा की परिक्रमा करें, मनोती माने, 108 फेरे फिरे, 7 फेरे, 11 फेरे, जितनी उम्र है उतने फेरे फिरे। मैं कई बार फिरता हूं, जितनी उम्र है उतने फेरे फिर लेता हूं। तो जितने भी जो जिसकी भावना हो उतने फेरे फिरे और प्रार्थना करें, मेरी जिंदगी के इतने साल बीत गए, अब बाकी कितने हैं पता नहीं, बाकी के जिंदगी के जितने भी साल हैं वो तेरी भक्ति करते करते बीते हैं। मैं और जगह के चक्कर न काटूं, तेरे ही चक्कर काटकर 84 के चक्कर से छूट जाऊं, गुरु चरणों का पक्का सेवक बन पाऊं, और कहीं से कुछ पाने की मेरी आस न रहे, ये भाव रखकर परिक्रमा करें। आपदह संपदह काले दैवा दैवेति निश्चय तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम, स्वस्थ होकर, स्वस्थ एक होता है शरीर से स्वस्थ कि तबीयत ठीक है, बुखार नहीं है, सिर दर्द नहीं है, कमर दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ है। पर एक स्वस्थ होता है स्व में स्थित, अष्टावक्र गीता में उसको स्वस्थेन्द्रिय तृप्त स्वस्थेन्द्रिय वही तृप्त है जो स्व में स्थित है। आचार्य विनोबा भावे को पूछा कि आप कौन से ब्राह्मण हो, कोंकणस्थ ब्राह्मण, देशस्थ ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण हो, उन्होंने कहा मैं स्वस्थ ब्राह्मण हूं। सुंदर उत्तर दिया, स्व में स्थित स्वस्थ ब्राह्मण। तो गुरुदेव ये चाहते हैं कि हम इस अर्थ में स्वस्थ हो, इसलिए गुरुदेव शरीर को स्वस्थ रखने के भी उपाय बताते हैं।
और हम भी स्व में स्थित हो जाएं, ऐसा उपाय भी बताते हैं। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। फिर उसकी कोई इच्छा नहीं होगी और उसको कोई शोक नहीं होगा, क्योंकि इच्छावान को ही शोक होता है। जिसकी इच्छा नहीं उसको शोक काहे का। उसका जीवन साधनमय हो जाता। तो व्यर्थ की बातों में उलझते हैं ना कई लोग। जैसे पुलिस वाले ने कहा कि ये खेत में गाय और बछड़ा आ गया, किसका है? जोर से चिल्लाया, कई लोग जमा हो गए। तो एक लड़का बोला, साहब मैं बता सकता हूँ। बोले बता। बोले साहब मैं ये बता सकता हूँ, ये बछड़ा किसका है? किसका है? बोले बछड़ा इस गाय का है। गाय किसकी है? बोले वो मेरे को पता नहीं है। तो ये सब शेख चिल्लियों की बातें हैं, अष्टावक्र जी की बातें, गुरुदेव की बातें। गुरुदेव के वचन कल्याणकारी है, इसलिए और कोई कुछ बात कहे इधर से सुन के इधर से निकाल दें। गुरुदेव के वचन कानों के द्वारा अपने हृदय में स्थापित करें। जैसे स्वाति की बूंद सीप में मोती बन जाती है, ऐसे गुरुदेव के वचन हमारे भीतर प्रवेश करके स्थित हों। इसलिए अब आजकल तो सुविधा है, सीडी के माध्यम से, MP3 के माध्यम से, मेमोरी कार्ड के माध्यम से हम उन वचनों को जो एक बार सुने थे बार बार सुन सकते हैं। अर्जुन ने तो भगवद गीता एक ही बार सुनी। हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव के मुख से कई बार सुनने को मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध को उनके शिष्य आनंद ने पूछा, जंगल में घूम रहे थे, तो पूछा कि गुरुदेव हमको आप जो कहना चाहते हो हमारे कल्याण के लिए वो सब कह दिया कि कुछ कहना बाकी है? बुद्ध ने झुककर पेड़ों के गिरे हुए पत्ते सूखे हाथ में उठाए, बोले मैंने जो तुमको कहा है आज तक वो जितने हाथ में पत्ते हैं समझो इतना कहा है, और जितने बिखरे हुए पत्ते पड़े हैं पूरे जंगल में उतना अभी बोलना बाकी है। अभी तो इतना ही कहा, पर ये जो कहा है ये समझो चाबियां हैं सब तालों की, मैंने कुंजियां रख दी है बस। मैंने जो कहा उसमें सब आ गया, देखा जाए तो सार सार रख दिया। तो गुरुदेव हमें सार में टिकाना चाहते हैं, इसलिए अपनी सारमयी वाणी सुनाते हैं। केवल अपने दुख को और समस्या को ही याद करके नहीं बैठना चाहिए, किसी को भी। चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक देखो तो सबके जीवन में दुख आता है। कृष्ण भगवान के जीवन में, भगवान राम के जीवन में और कई देवी देवताओं के जीवन में कितने कष्ट आए, गणपति जी के जीवन में कितने कष्ट आए, कितने युद्ध किए उन्होंने, कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा। जो गणपति जी विघ्नहर्ता देव माने जाते हैं, अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यह सुरासुरै सर्व विघ्नहरस्तस्मै, जो सब विघ्नों को दूर करने वाले, उनके जीवन में कितने विघ्न आए, कई राक्षस उनको मारने के लिए आए। अंबकासुर राक्षस था, उसको गणपति जी ने मारा था क्योंकि वो सबको सताता था, दुष्ट था। तो उसकी मां गणपति जी से बदला लेने के लिए गणपति जी की जीवन लीला समाप्त करने के लिए वो वहां पर आई, उनकी माता का रूप लेकर।
गणपति जी तो समझ गए, कथा बहुत लंबी है अभी उस विस्तार में न जाए हम, पर गणपति जी ने उसका दिया हुआ जहरीला लड्डू, उसकी भावना थी कि गणपति जी मर जाएं। गणपति जी ने समझ लिया कि जहरीला है, कोई खाए तो मर जाए, पर गणपति जी ने मन ही मन सोचा कि ये भूल गई है कि हमारा बाप कौन है, जहर को पचा लिया था भोलानाथ ने तो हम भी तो पचा सकते हैं, वो जहरीला लड्डू भी खा गए, कुछ नहीं हुआ। मतलब कई विघ्न आए तो हमारे जीवन में भी कभी आए तो उसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति छोड़ दें, जप छोड़ दें, गुरु के प्रति अपनी आस्था की जड़ों को हिलने पर मजबूर कर दें, नहीं। कांच का बर्तन होता है ना, गिरने पर टूट जाता है, स्टील का बर्तन गिरेगा तो टूटेगा नहीं। हमारी श्रद्धा ऐसी ना हो कांच की चूड़ियों की तरह गिरे और टूट जाए। हमारी श्रद्धा कपड़े जैसी ना हो कि संदेहों के चूहे आकर कुतर जाएं। कपड़ों को चूहे कुतर जाते हैं ना, संशय के चूहे कुतर न जाएं श्रद्धा को, ऐसी ना हो। हमारी श्रद्धा भगवत गीता के 12वें अध्याय की बताई हुई श्रद्धा, इसलिए मैं कहता रहता हूं गीता का 12वां अध्याय पढ़ना चाहिए महीने में एक बार तो जरूर, और 12वें अध्याय में बहुत कम श्लोक है, खाली 20 श्लोक है, ज्यादा भी नहीं। गीता में सबसे ज्यादा श्लोक दूसरे अध्याय में है, 72 श्लोक है, और 12वें अध्याय में खाली 20 श्लोक है। तो 12वां अध्याय पढ़े, फिर प्रार्थना करें कि इसमें जो हे भगवान आपने दूसरे श्लोक में और 20वें श्लोक में जो श्रद्धा बताई है वो मेरी हो जाए, ऐसी आप कृपा कर दो। गीता हाथ में ही रखकर प्रार्थना करें। तो भगवत गीता भगवान के वचन है। देखो भगवत गीता गुरु गीता जो लोग अपने घर पे रखते हैं, तो जिनके वचन लिखे हुए होते हैं ना, अगर हम वो पुस्तक अपने घर पे रखते हैं तो समझो वो ही उस वाणी के रूप में हमारे घर पे निवास कर रहे हैं। भगवत गीता श्री कृष्ण के वचन है, गुरु गीता शिव जी के वचन है, अगर हम उनको अपने घर पे रखते और आदर सहित पाठ करते हैं तो समझो हम उनकी प्रसन्नता पा रहे हैं। तो गीता हाथ में रखकर 12वें अध्याय का पाठ करने के बाद ही हम संकल्प करेंगे तो जरूर भगवान सत स्वरूप है और हमारी मांग भी सत की है, अपनी श्रद्धा बढ़ाने की मांग तो कल्याणकारी है। तो और भगवान को ही कहें कि आपके वचनों के अनुसार आपने ही कहा है तो निश्चित रूप से वो हो सकती है। भगवान सत स्वरूप है तो उनके प्रति जो पुकार होगी वो भी सत होकर के ही रहेगी। प्रार्थना करते करते प्रार्थना मैं हो जाए हम। अष्टावक्र गीता में आया चिंतया जायते दुखम नान्यथै हेति निश्चयी तया हीन सुखी शांत सर्वत्र गलित स्प्रह। चिंता से दुख होता है, बिना ही तो नहीं हो सकता, चिंता है तो ही दुख है। और बड़े में बड़ी चिंता क्या है कि मैं करता हूं, मतलब मेरी बेटी बड़ी हो गई उसकी शादी कैसे होगी, मेरा बेटा बड़ा हो गया, या मेरा बेटा कहना नहीं मानता, या मेरी बेटी जिद्दी है, ये कर्तापन, मैं कैसे करूं, मैं कैसे दुकान चलाऊं, मैं कैसे कर्जा उतारूं, यही बड़ी चिंता है, कर्तापन ही चिंता है।
तो ये हट जाए तो अष्टावकर गीता कहती है तया हीनम सुखी शांता, वही व्यक्ति सुखी हो पाता है। नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य, यहाँ तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। तया ही न सुखी शांत सर्वत्र गलित स्प्रहा, उसकी स्प्रहा चली जाएगी, मतलब जीवन निर्वाह की चिंता के कैसे होगा मेरा जीवन, आगे कैसे गुजरेगा। कई लोग सोचते हैं भविष्य में क्या होगा। सर्वत्र गलित स्प्रह तया ही न सुखी शांत, वो सुखी रहेगा, शांत रहेगा। दिल्ली में एक भाई साहब बहुत चिंता करते थे अपनी बेटी की शादी की। तीन बेटियां थी, पूनम व्रतधारी। मुझे कहते रहते थे क्या करूं। मैंने कहा सोचना ही छोड़ दो कि मेरी बेटी है, मैं कैसे बेटियों की शादी करूं। जो कुछ करेंगे मेरे गुरुदेव करेंगे, मेरी बेटी नहीं है, गुरुदेव की बेटी है, मैं भी गुरुजी का ही हूं। कल गुरुदेव ने नहीं कहा कि मेरे सामने सब बबलू बबलियां ही हैं। कल हम सत्संग में सुन रहे थे, आज भी गुरुदेव कह रहे थे कि उम्र में बड़े हों तो भी गुरुदेव के आगे तो उनके बालक ही हैं, बच्चे ही हैं। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा हम उनके हैं, हमारी बेटी भी उनकी बेटी है, क्यों चिंता करते हो। जब उन्होंने ये सोची बात तो निश्चिंत हो गए। तया ही न सुखी शांत सर्वत्र गलित स्प्रह। फिर तो तीनों बेटियों की शादी ऐसे घरों में हो गई कि बेटी पिता के पास थी तो इतनी सुखी नहीं थी जितनी ससुराल में सुखी है। तीनों बेटियां अब एकदम निश्चिंत। चिंतया जायते दुखम, नाहक ही परेशान हो जाते हैं। कुत्ता सरोवर किनारे पानी पीने को गया, सरोवर में उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसको पता नहीं था कि ये मैं ही हूं, सोचा कि अंदर कोई दूसरा कुत्ता बैठा है तो घबराया, थोड़ा पीछे हटा, फिर आगे आया, भौंका तो अंदर भी कुत्ता भौंकता हुआ दिखा। उसको लगा कि ये भी मेरे को डरा रहा है, पहले सोचा भाग जाऊं पर फिर सोचा कि भागूं क्यों, कूद पड़ा पानी में कि इसको भगा दूं। कूद पड़ा तो पानी हिला, प्रतिबिंब गायब, अब तो मजे से पानी पी के चला गया। तो व्यक्ति अपने को जंपला दे, नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, तो इसमें सुख है, नहीं तो दुखी दुख है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। गुरुदेव ने हरिद्वार में इस विषय पर सत्संग किया था कि कई लोग आकर पूछते हैं गुरुजी मैं क्या करूं, तो गुरुदेव ने बहुत, वो एक सीडी है पूरी, क्या करें, ऐसा कुछ नाम भी है उसका, मैं क्या करूं। उस सीडी का नाम है मैं क्या करूं। जिन्होंने न सुनी हो वो एक बार लेकर सुनना। वीडियो सीडी है, वीडियो सीडी है मैं क्या करूं। तो जो सोचते हैं ना मैं क्या करूं, मेरे को बहुत परेशानी है, वो बापूजी की वो सीडी, वीडियो सीडी है, उसको ले जाकर दूसरों को भी सुनाओ। जो बड़े लोग भी घर पे सोचते हैं ना अरे क्या होगा मेरी बेटी का बेटे का, मैं क्या करूं, बोले सुनो गुरुदेव का सत्संग, मैं क्या करूं, वो चिंता दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। कुत्रापि खेद कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते, मनः कुत्रापि तत्त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम्। माने शरीर वाणी और मन के दुखों को त्याग कर अब मैं आत्मानंद में स्थित हूं। जनक राजा कहते हैं गुरुदेव आपके सत्संग के प्रताप से अब मेरे को शरीर वाणी और मन के कोई खेद नहीं, कोई दुख नहीं। हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सप।
क्योंकि जब अकिंचन भाव पैदा होता है ना कि मैं हूं ही नहीं और मेरा कुछ नहीं है, ये इसको अकिंचन भाव कहते हैं। भगवान राम ने देवऋषि नारद जी को भक्तों के लक्षण बताए तुलसीकृत रामायण में, षट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन शुचि सुखधाम। अकिंचन मतलब मैं नहीं और मेरा कुछ नहीं है। व्यवहार में जरूर सावधानी रखी जाए, परंतु भीतर से ये गुरुदेव के ज्ञान का विचार कि मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं, अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कौपीन त्वेपि दुर्लभम। सब कुछ त्याग कर जंगल में खाली कौपीन पहन कर भी जो दुर्लभ है वो परम संन्यास केवल अकिंचन भाव पैदा होते ही प्राप्त हो जाता, जिसको गीता के पांचवें अध्याय में कहा, ज्ञेय यह सनित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ये अकिंचन न कांक्षति, न शोचति, न वांछति, न कांक्षति, कुछ नहीं, अकिंचन भाव। अष्टावक्र जी कहते हैं, अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कौपीनत्वेपि दुर्लभम त्याग दाने विहाय अस्मा अदहम मासे यथा सुखम। अकिंचन मैं कुछ नहीं, और मेरा भी कुछ नहीं, मेरा था क्या और ले जाएंगे क्या, और जिसको अभी मैं मान रहा हूं वो मैं भी कब तक रहेगा, जब तक जीवन है तब तक। अकिंचन मैं भी नहीं और मेरा भी नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं, जब सब कुछ त्याग कर कोई जंगल में खाली कौपीन धारण करके रहे उसको भी वो ऊंचाई प्राप्त नहीं हो सकती जो अकिंचन भाव रखने वाले को परम संन्यास की प्राप्ति हो सकती है। तो क्यों ना हम ये परम संन्यास धारण करें, केवल कपड़ों का संन्यास नहीं। गुरु गीता में एक श्लोक आता है, इतरे वेशधारिणः, अन्य तो मात्र वेशधारी है, ऐसा गुरु गीता का श्लोक है। विजानन्ति महावाक्यम गुरोश्चरण सेवया ते वै संन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः। गुरुदेव के महावाक्य को जो धारण कर लेता है, गुरुदेव की सेवा के द्वारा, गुरुदेव की भक्ति के द्वारा, वही वास्तव में सन्यासी है, बाकी तो सब वेशधारी है। तो अष्टावक्र जी के अनुसार क्यों ना हम यह परम सन्यास धारण करें, उसमें सन्यासी के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, और सब पहन लेंगे तो फिर क्या हालत होगी, इसलिए कपड़ों की जरूरत नहीं है, जैसे पहनते ठीक है, पर ये अकिंचन भाव गुरुश्चरण सेवया। गीता में इसलिए भगवान ने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास ज्ञान के लिए जाओ पर अपने गुरु की सेवा भी करो। तो सेवा क्या है कि गुरुदेव जो कहते हैं वो करना, आज्ञा सम नहीं सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा।
उनके आदेश का पालन करना, ये उनकी सेवा है। इसी से गुरु की प्रसन्नता उस साधक को प्राप्त होती है, उस भक्त को प्राप्त होती है। तो आज से हम लोग शांत, जब भी मौका मिले बैठकर अकिंचन भाव, अभी भी करके देखें, तुरंत शांति का अनुभव होगा। अकिंचन भाव, बस मैं कुछ नहीं और मेरा भी कुछ नहीं। शरीर पांच भूतों का है और गुरुदेव ने समझाया है कि ये मैं नहीं हूं और यहां मेरा कुछ नहीं है। ज्ञान के विचार से तुरंत शांति प्राप्त होती है। तन सुखाय पिंजर कियो धरे रहन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई नहीं, और वो ज्ञान जो गुरुदेव देते हैं, उस ज्ञानदाता गुरु में भक्ति होना बहुत बड़ी बात है। उस 12 महीनों के 12 मंत्र अलग अलग जो सुने हमने शुरुआत में, वो सूर्य को जल तो देते ही है, खाली ये मंत्र जोड़ देना। तो बाह्य जीवन की विपत्तियां भी दूर हो सकती हैं और साधना के मार्ग में आने वाली विपत्तियां भी दूर हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य भगवान स्वयं गुरु भक्त हैं। ये मंत्र से अर्घ देकर प्रार्थना करना कि सूर्य भगवान आपकी अपने गुरु बृहस्पति जी के प्रति भक्ति है, ऐसी मेरी मेरे बापूजी के प्रति हो जाए, मेरी मेरे गुरुदेव के प्रति हो जाए। ऐसी मुझे सद्बुद्धि दो। जो बाद में आए मंत्र नहीं सुन पाए, मैं उनके लिए फिर से एक बार बोलता हूं, 12 मंत्र 12 महीनों के सूर्य भगवान को जल देते समय बोलो। मार्गशीर्ष मास का मंत्र, मार्गशीर्ष ये चल रहा है, मार्गशीर्ष का है ओम धाताय नमः, ओम धाताय नमः। फिर पोष मास का है ओम मित्राय नमः, माघ मास का है ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। माघ के बाद फाल्गुन मास का है ओम पूषाय नमः, मुझे मेरे गुरुदेव के प्रति भक्ति से पुष्ट करने वाले, ओम पूषाय नमः, ओम पूषाय नमः। चैत्र मास में ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। वैशाख मास में ओम अंशुमानाय नमः, ओम अंशुमानाय नमः, ओम अंशुमानाय नमः। ज्येष्ठ मास में ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। आषाढ़ मास में ओम भगाय नमः, ओम भगाय नमः। सावन के महीने में ओम त्वष्टाय नमः, ओम त्वष्टाय नमः, ओम त्वष्टाय नमः। भादो के महीने में ओम विवस्वते नमः, ओम विवस्वते नमः। भाद्रपद मास में ओम विवस्वते नमः। आश्विन मास में ओम सविताय नमः, ओम सविताय नमः, ओम सविताय नमः। और कार्तिक मास में ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हे सूर्यदेव, आपकी गुरु बृहस्पति जी के चरणों में भक्ति, ऐसी मेरी मेरे गुरुदेव के चरणों में हो। मुझे स्वप्न में भी मेरे गुरुदेव में कोई दोष दर्शन ना हो, क्योंकि सूर्य भगवान जैसे आप में कभी अंधेरा नहीं हो सकता, ऐसे मेरे गुरुदेव में कोई दोष नहीं हो सकता। जैसे चंद्रमा में ताप नहीं हो सकता, ऐसे मेरे गुरु में कोई दोष नहीं हो सकता। जैसे गंगा जल में कभी मलिनता नहीं आ सकती, ऐसे मेरे गुरुदेव में कोई दोष नहीं हो सकता। ऐसा एक भाव,
अब संध्या का समय है, हम लोग संध्या वंदन करेंगे। कुछ देर पहले ओमकार का गुंजन करके फिर प्राणायाम शुरू करेंगे। हरि हरि हरि